आदाब नमस्कार, सहारनपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मोहम्मद शौकीन, पेश है आज दिन भर के समाचार। गांधी पार्क मैदान में आज आयोजित अखिल भारतीय गुर्जर महासम्मेलन में हजारों की संख्या में पहुंचे गुर्जर समाज ने एक स्वर में एकता की हुंकार भरी और राजनीति में अपना दखल बढ़ाने के लिए समाज की एकता को ही मूल मंत्र बताया। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के अलावा हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश तक के गुर्जर पहुंचे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व विधायक धर्म सिंह छोकर, योग गुरु कर्मवीर अतुल प्रधान ने संबोधित कर समाज के लोगों से एकजुटता का आह्वान किया। और बिना किसी रिश्वत के नौजवानों को रोजगार देने वाला एक भी साथी नहीं देखा हमने। मैं उससे प्रभावित होकर निकली। अखिल भारतीय गुर्जर महासम्मेलन होने जा रहा है, ये ऐतिहासिक है और ये तो हमारा ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। आज हमारे अखिल भारतीय गुर्जर सम्मेलन का इकट्ठा होना पूरे समाज का पूरा आज जागरूक है और हम सहारनपुर आए हैं। हमारी जो समाज की जो अनदेखी अनसुनी हो रही है वो उसका हमारा प्रयोग है। 2019 समाज बताया साथ और गैर राजनीतिक है और इस साल नहीं खेल निदेशालय द्वारा 25 दिसंबर से कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में होने जा रही अंतर राज्य सब जूनियर जूडो प्रतियोगिता के लिए आज नगर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में मंडलीय ट्रायल का आयोजन किया गया, जिसमें मंडल के तीनों जिलों से आए खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी करते हुए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस दौरान उप क्रीडा अधिकारी काशी नरेश यादव व जूडो कोच दीपक गुप्ता सहित अन्य खिलाड़ी मौजूद रहे। दिसंबर तक कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश जूडो एसोसिएशन के कोलैबोरेशन से एक प्रदेशीय जूनियर जूडो प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए आज यहां जनपद और मंडलीय टीम का सिलेक्शन है। इस सिलेक्शन में 50 से अधिक खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। 8-8 वजन वर्ग में बालक और बालिकाओं का चयन आज यहाँ किया जाएगा और ये चयनित बालक बालिकाएँ कानपुर में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। निश्चय ही पूर्व की भांति इस बार भी सभी खिलाड़ी सहारनपुर के लिए लॉरेल्स लेकर लौटेंगे। केबल सेवा को पोस्टपेड से प्रीपेड करने के विरोध में आज नगर के केबल ऑपरेटर्स का एक प्रतिनिधिमंडल सांसद राघव लखनपाल शर्मा से मिला और साथ ही उनको 9 सूत्रीय मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों को जल्द से जल्द निस्तारण की मांग की। भैया ज्ञापन सांसद जी को दिया, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्री के आगे हम ये समस्या को आपकी लेकर जाएंगे और उनसे इसके समाधान का आश्वासन दिया है। लाइनेस क्लब आस्था द्वारा आज नगर के एक सभागार में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें नगर की कई विभूतियों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया और साथ ही संस्था सेवा की पीआरओ नीना ढींगरा को भी सराहनीय कार्यों के लिए क्लब के पदाधिकारियों द्वारा सम्मानित किया गया। And till now, she has been appointed by SPL Srishti DJP Sudhava Sanya, Gharelu Hinsa ke Prati Jagruta ke liye award diya gaya hai, wo aa raha hai. 2020 Association Director Wala ka award diya gaya tha. Shanti Samiti आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।